तो दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने करीबन एक महीने पहले ये अपडेट जारी किया था कि वो करीबन 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके 6 हाइड्रोजन रिफाइनरी प्लांट्स को लगाएंगे इन गुजरात, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में कहीं पर भी पोल्यूटेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहा है इंडियन ऑयल की तरफ से, जहां पर इंडियन ऑयल ने कहा है कि वो भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे इन मथुरा, जिसके ऊपर वो बहुत तेजी से काम शुरू करने वाले हैं। यहां पर इंडियन ऑयल के एनालिसिस के हिसाब से माने तो देश और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिमांड होने वाली है वो ग्रीन एनर्जी की होने वाली है, और उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी की होने वाली है। बिकॉज हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं वाटर से, और दुनिया में इतने बड़े समुद्र हैं कि हाइड्रोजन या फिर कहें हम सी वाटर की कमी हमें कभी भी नहीं होने वाली है। और दूसरी तरफ देखें तो भारत के अंदर लगातार पेट्रोलियम के बढ़ रहे प्राइस की वजह से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन से फ्यूल्स पर स्विच करना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आपको बताया तो इंडियन ऑयल का कहना है कि इस रिफाइनरी को कंप्लीट करने में और इनको ऑपरेट कराने में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी होगी। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में करीबन 250 मेगावाट बिजली की खपत होने वाली है, जिसके लिए इंडियन ऑयल के पास राजस्थान में एक विंड एनर्जी प्लांट है और ये इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो वहीं से पूरी करेंगे। साथ ही में अगर एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इंडियन ऑयल अपने कुछ नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी, और जीरो पॉल्यूशन के ऊपर इंडियन ऑयल काम करने वाली है। इंडियन ऑयल का कहना है कि हम 2023 और 24 तक अपनी शोधन क्षमता को 2.5 करोड़ टन तक करने जा रहे हैं। और यहीं पर गुजरात को लेकर के भी कुछ अपडेट्स जारी किए हैं, जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल बसेस के लिए 99.9% शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन भी इंडियन ऑयल करने वाली है, और देश के अंदर कई जगहों पर हाइड्रोजन बसेस चलाने का प्रस्ताव शामिल है। तो ये इंडियन ऑयल की तरफ से भारत के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोजाना ऐसे ही भारत के जुड़े हुए छोटे बड़े अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।